तो अक्सर अमूमन किस तरह के मामले आते हैं आपके न्यायालय में? हमारे जैसे विवाह विच्छेद है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन है, और अधिकार मामले मेंटेनेंस के आते हैं, जी हाँ जी भरण पोषण संबंधी, पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं वो लोग, तो उनके भरण पोषण वो अधिकार मामले उसके आते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह के मामले जिस तरह से आजकल काफी बढ़ गए हैं, तो हाँ, क्या वजह मानते हैं आपकी, ये ऐसी समाज में कैसी कुरीतियां आ रही हैं? एक तो अपना जो एकल परिवार प्रथा आ गई उससे हो गया है। पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, माँ बाप समझाते थे, सब संयुक्त समझाने परिवार वाले था। होते थे, संयुक्त परिवार में जी बच्चे भी पल जाते थे। अब आज एकल परिवार है, कोई समझाने वाला है नहीं। लड़की को उसके माँ बाप भड़काते हैं और लड़के को उसके माँ बाप भड़काते हैं, बीच में कोई समझाने की गुंजाइश की कोई नहीं छोड़ता। तो उस वक्त फिर आपको अपनी भूमिका अदा फिर करनी होती हाँ, है। फिर लोग कोर्ट में आते हैं तो फिर हम लोग अधिकांश कोशिश ये करते हैं, चार पांच पेशियों शुरू में, कि इनको समझाएं। बिल्कुल कोर्ट का काम घर तोड़ना नहीं, जोड़ना है, तो हम लोग का बिल्कुल। काम बिल्कुल उनको मध्यस्थता करके सुलह समझाइश देना है, और एंड तक निर्णय होने तक उनको समझाते हैं। जी हाँ। और कभी कभी ऐसे मामले भी आपके सामने आते होंगे कि बहुत गरीब पक्षों के लोग हों, जैसे लड़की के या किसी और जो आते हैं मामले, तो उसमें फिर कुछ विधिक सहायता भी दी हाँ, जाती अपने आप विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, है? अच्छा। जो राज्य स्तर पे भी है, संभाग स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है, और तहसील स्तर पे भी है। तो यहाँ पे अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाई जाती है।